अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट से आई बड़ी खबर। ईडी के सामने पेशी से नहीं मिली राहत। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट से झटका लगा है। सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर करके व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। उनकी याचिका पर गुरुवार 14 मार्च और शुक्रवार 15 मार्च को लंबी सुनवाई हुई। स्पेशल जज राकेश सयाल ने कहा है कि कार्रवाई पर स्टे खारिज किया जाता है, लेकिन अगर वह उपस्थित से छूट चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें रखी। रमेश गुप्ता ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं। इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें समन पर्सनल कैपेसिटी पर किया गया है। रिकॉर्ड में ये साफ है कि मामला तब दर्ज किया गया जब वो CM थे। इसके बाद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि हम 2 दिन पहले इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता था कि दूसरी शिकायत भी दर्ज की जाएगी। हम दूसरी शिकायत का इंतजार कर रहे थे। बीते 7 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था। दिल्ली के CM को ED अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसके कारण ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई थी। तब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।